नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बेहतरीन होंगे, बढ़िया होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। दोस्तों, वर्तमान में आपके लिए एक बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ये वीडियो में लेके आया हूं। अगर आप कॉमर्स के हैं, अगर आप BADM, EFM या ABST के साथ अपना कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देना चाहते हैं, देखो आपको ABST और EFM का सिलेबस तो मिल जाएगा। मैं आपको हमारे YouTube चैनल के साथ हमारे जो लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, उससे मैं आपको लिंक कर दूंगा, वहां पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अभी कुछ जो वीडियो बनाऊंगा तो सभी सब्जेक्ट के बारे में मैं पूरा डिटेल दूंगा, कौन सा सिलेबस हो सकता है, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह आपको पढ़ना है और इन सबकी तैयारी कैसे करनी है, हम कैसे करवाएंगे, आपका अगर नेट नहीं है तो नेट कैसे करवाएंगे, इन सबकी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं आज। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात करूंगा EAFM की, फिर आने वाले समय में मैं BADM का बताऊंगा जो BADM कहीं अवेलेबल नहीं है, साथ के साथ ABST का भी सिलेबस बताऊंगा और उससे संबंधित जो बेस्ट बुक्स हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनके बारे में वर्तमान में मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर पेपर दो की बात की जाए, देखो पेपर एक और पेपर दो जो है वो आपके सब्जेक्ट के संबंधित होंगे। सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप अपना एग्जाम देने वाले हो, आपका सब्जेक्टिव पेपर है। और आपको पता है, आपने अगर मास्टर डिग्री की है किसी विषय के अंदर, तो बात ये आती है कि आपका सब्जेक्ट कमांड तो होना ही चाहिए। और अपने आप में मास्टर डिग्री के अंदर जो आप जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये यूनिट्स बनी हुई हैं, ये पेपर वन और पेपर टू को डिजाइन किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं ABST, EFM, BADM, इकोनॉमिक्स, इनके चार जो सब्जेक्ट हैं, एक एक करके वीडियो बनाऊंगा इनके सिलेबस के बारे में, इनकी बेस्ट बुक्स के बारे में और किस तरह हम तैयारी करेंगे, नेट आपका कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात, और इन तीनों में कॉमन क्या है वो भी बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखो यूनिट एक से लेके पांच, आई रिपीट, यूनिट एक से लेके पांच, मैंने इसको वैसे तो पेपर वाइज वहां पे अलग अलग दे रखा है। यूनिट एक से लेके पांच जो मैं यहां बोल रहा हूं, ये पेपर वन की है, और यूनिट छह से लेके दस पेपर टू की है। अब इसमें है क्या, कौन सी बुक्स पढ़नी है, उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो देखो, अगर पहला यूनिट देखे वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सर ये हिंदी में बताओ। अरे भाई, जब भी हम मास्टर लेवल की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ थिंग्स यूज्ड टू बी इंग्लिश। हम आपको चीजें समझाएंगे, बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, आपको पता चल जाएगा इस लेवल का, हमारा टेंशन मत लो। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट व्हाट द माइक्रो इकोनॉमिक्स टू बी देयर। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन है और यहां पे डिमांड थ्योरी है, सप्लाई थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी है, कॉस्ट थ्योरी है, मार्केट के बारे में एनालिसिस है, ये सब कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपने 11th 12th पढ़ा था उसके बारे में चर्चा है। और यहां पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा कौन सी बुक, इसके लिए आप 11th 12th की जो आपकी बुक्स हैं, विशेष रूप से 12th क्लास की NCERT की बुक है, वो गुड इनफ है इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा आप ND माथुर साहब की बुक भी ले सकते हैं, जो भी एक बहुत बहुत काम की बुक साबित होगी आपके लिए। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। दूसरा जो यूनिट है वो है इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। जब इंडियन इकोनॉमी की बात आती है दोस्तों, मैं बहुत क्लियर कर दूं आपको, यहां पे बात आती है नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या था, यहां पे आपकी बात आती है आपका जो टैक्सेशन सिस्टम क्या है, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, इंडियन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इंडियन योजनाएं जो है उनके बारे में पूछा जाएगा। अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप हमारे वीडियो, इस वीडियो के अंदर जब आप देख रहे होंगे तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई पूरी एक बहुत प्रॉपर तरीके से भारत सरकार की योजना है। मैं गारंटी देता हूं कि जिस तरीके से मैंने उन योजनाओं को समझाया है अनुच्छेद के अनुसार, आई रिपीट, अनुच्छेद के अनुसार बताया कि अगर ये एक एक्सवाइज योजना है तो उस अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के तहत इस योजना को क्रिएट किया गया। तो जितनी भी पॉलिसी है, इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसी, इंडियन इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स है, इंडियन इकोनॉमी में जो एडवांटेज है, इंडियन इकोनॉमी की खासियत क्या है, वो सब कुछ इस यूनिट के अंदर, सब कुछ इस यूनिट के। तो आप इसमें हिमालयन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की, या फिर राजेश सिंह जो बुक आती है, जो बहुत फेमस है UPSC में, वो बुक आप ले सकते हैं इस चीज को पढ़ने के लिए। यहां पे आपको क्लियरिटी रहेगी, आप
दृष्टि की बुक भी ले सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि भैया बताओ नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है, प्लानिंग कमीशन कब शुरू हुआ, किस तरह हुआ, ये सब कुछ इस भाग में है, सब कुछ इस भाग में। डीप डिस्कशन हम आने वाले जब हम अपना जो पूरा प्रोफेशनल वीडियो बनाएंगे वहां डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो बात आ रही है वो इंडियन इकोनॉमी की बात आ रही है, इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात आ रही है, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी कैप, प्लानिंग कमीशन क्या है, इंडस्ट्रियल वर्सेस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसा हुआ, नीति आयोग क्या है, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया के बारे में डिस्कशन है। तो देखो अपने आप में इनके भी सब टॉपिक है और सब टॉपिक की भी अपने आप में बुक हो सकती है। आपको पता है दैट यू आर डिड योर मास्टर डिग्री इन एडिक्शन फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट, देयर इज अ सेपरेट बुक, देयर सेपरेट सेक्शन इज टू बी देयर। इनफैक्ट फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट इसके लिए पूरी पूरी बुक्स लिखी गई। तो यहां पे जो बात है इंडियन इकोनॉमी की है, इंडियन इकोनॉमी से संबंधित सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो यूनिट है वो पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस बजटिंग पॉलिसी क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, आपकी जो सो कॉल्ड फिस्कल पॉलिसीज हैं वो कैसे काम कर रही हैं, आपका बजट कैसे बनता है, आपके जो सो कॉल्ड टैक्सेस हैं अलग अलग वो कैसे मैनेज होते हैं, ये सब कुछ के अंदर है। नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ दी, नेचर कॉन्सेप्ट एंड द फीचर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पब्लिक फाइनेंस क्या है, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या है, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या है, पब्लिक डेट और दी पब्लिक रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रल बजट क्या होता है, मेजर चैलेंज इन बजट क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या है, ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, और जो जीएसटी है, देखो मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि वहां पे प्रपोज जीएसटी था पिछले वाले में, तो यहां पे जो होगा वो जीएसटी के बारे में आपसे भी काफी हद तक पूछा जाएगा। वहां पे प्रपोज जीएसटी था पिछले वाले सिलेबस में, इस बार जीएसटी पूरा पूरा आपसे पूछेगा, कलेक्शन क्या है, किस तरह का, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या क्या टैक्सेशन रेट्स है, वो सब कुछ इस पब्लिक फाइनेंस में आएगा। पब्लिक फाइनेंस मतलब ऑल अबाउट टैक्सेशन, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी क्रिएट, हाउ इंडियन गवर्नमेंट क्रिएट अ बजट, बजट क्या होता है, अंतरिम बजट क्या होता है, बजट की पॉसिबिलिटीज क्या है, कब पहला बजट कब आया, कौन फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन इसको मैनेज करता है, सब कुछ इज ऑल अबाउट पब्लिक फाइनेंस। डेट फाइनेंसिंग क्या होती है, हमारी फाइनेंसिंग जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से हो रही है वो कैसे हो रही है, वर्ल्ड बैंक हमें लोन देगा तो किस बेसिस पे देगा, सारे क्राइटेरिया और उससे संबंधित जो भी योजना चल रही है वो भी आपसे पूछी जा सकती है पब्लिक फाइनेंस के अंदर। ये चीज आप जानिएगा, पब्लिक फाइनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है नंबर थ्री पे। चौथा जो यूनिट है वो है मॉनिटरी पॉलिसी। देखो पब्लिक फाइनेंस यूजुअली डील करता है फिस्कल पॉलिसीज के साथ, ठीक है, सरकार की जो भी खर्चे हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है, बट इफ यू टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि आरबीआई की पूरी कहानी आ गई इसके अंदर। आरबीआई की पूरी कहानी को आपको डिस्कस करना है, आरबीआई की क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी, किस तरह की पॉलिसी है, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई की गवर्नेंस क्या है, आरबीआई का कमांड सेबी पे कैसा है, आरबीआई का कमांड बैंक के ऊपर कैसा है, आरबीआई का कमांड आईआईटी पे कैसा है, ये सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में है। मॉनेटरी पॉलिसी और द बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ, द एंटायर मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा डिस्कस यहां पे करना है आपको, ठीक है। डिमांड सप्लाई ऑफ द मनी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी की जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव और नेचर कैसा है, लिमिटेशन क्या है, ठीक है, टेक्निक ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल कैसा है, मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में कैसे काम करता है, जैसे एवरीबॉडी नोज अबाउट इट कि इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी है बाय मंथली रिलीज करता है आरबीआई, रिलीज करता है किसको कंट्रोल करता है, वो मनी फ्लो को कंट्रोल करता है, मनी फ्लो कैसे कंट्रोल करता है, सीआरआर और एसएलआर पे लगाम लगे करता है। फिर अभी रिसेंट एक मूवी है हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम कैसे किया था उसके बारे में भी यहाँ पे पूछा, सम्मिलित लिंक हो सकता है, क्यों हो सकता है कि आरबीआई के अंदर ये पूरा जो सिस्टम होता है उसमें जो मनी मार्केट है वो कैसे डील करता है, जो बैंक टू बैंक जो लोन ट्रांसफर होता है उसमें कैसे घपला किया था बाय डिफॉल्ट हर्षद मेहता, ये सब कुछ लिंक 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 ऑल आर लिंक टुगेदर, थिंक अबाउट इट। एंड यहां पे आप मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा पढ़ेंगे, बाय मंथली पॉलिसी क्यों है हमारे यहां पे, क्या डिफरेंस है यूएस की एक मॉनेटरी पॉलिसी में वर्सेज इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी में, फिर यूएसए की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे इंपैक्ट करती है इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि इंटरनेशनल फाइनेंस में सब कुछ गंड होगा पर ये मॉनेटरी पॉलिसी के अगर बेसिक क्लियर तभी आपको पता होगा कि भैया कौन कौन सी टाइप ऑफ मनी होती है, M0, M1, M2, M3, M4 क्या है, अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, इन सब के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फिर नेक्स्ट यूनिट है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। देखो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे पूरी इकोनॉमी पढ़नी है, यहाँ पे
राजस्थान का आकार प्रकार पॉपुलेशन ये सब कुछ इसमें है, राजस्थान की योजनाएं हैं, राजस्थान का एग्रीकल्चर है, राजस्थान का जो इंडस्ट्री है वो इसमें सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। वैसे तो इस बुक के लिए आई सजेस्ट कि भैया इसके लिए तो आप हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जो महानुभाव है लक्ष्मी नारायण सर उनकी आपको ले रहे हैं बहुत ही छोटे लफों में, लक्ष्मी नारायण नाथूराम का जी की बुक, ये यूनिट है यानी ये जो पेपर है पेपर वन के रूप में आपको देखना है समझना है और फॉलो करना है। आने वाले समय में इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि अगर वो छोटी यूनिट लिखी हुई है ना उसको भी कौन सी बुक में से पढ़ना है, मैंने जो नोट्स बनाए उनको कहां से मैंने बनाया सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लेना। जब हम आने वाले समय में बात करेंगे जो यूनिट्स है उसमें भी सब यूनिट्स है, सब यूनिट्स के कौन सी बुक से क्या सबसे बेस्ट लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं जैसे पब्लिक फाइनेंस या मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बोला तो मैं बोलूंगा भैया आरबीआई की ये रिपोर्ट पढ़नी है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में से ये गॉन थ्रू कर रहे हैं कि ये वर्तमान में चल रहा है, ये एनपीए है, ये बैंक को मर्ज किया जा रहा है, ये नेक्स्ट थॉट प्रोसेस है आरबीआई का। अभी आपको बताऊं रिसेंटली रिसेंटली बैंकिंग को एनपीए से हटाने के लिए, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीए कम हो इसको थॉट प्रोसेस रखते हुए बाकायदा आरबीआई धीरे धीरे बैंकों को मर्ज कर रहा है। कौन से बैंकों को मर्ज कर रहा है, क्या उसके नुकसान होंगे, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे, कौन से सिस्टम से क्या इंपैक्टेड है, दैट इज ऑल अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आता है यूनिट नंबर टू। अब देखिए यूनिट नंबर टू में और यूनिट नंबर वन में, यूनिट नंबर वन में मॉनेटरी पॉलिसी है, यूनिट नंबर टू में आप देखोगे इकोनॉमिक पॉलिसी, सॉरी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ये दोनों लिंक है आपस में, ये दोनों आपस में लिंक है। कैसे, जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी बात करूंगा आरबीआई की बात करूंगा, जब आरबीआई की बात करूंगा सारे बैंक की बात करूंगा, शेड्यूल बैंक कितने हैं, नॉन शेड्यूल बैंक कितने हैं, प्राइवेट बैंक कितने हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा कि दो तरह के बैंकों को रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दिया था कुछ समय पहले ही, एक होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक आपके पेटीएम रिलेटेड सॉर्ट ऑफ बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक उनको बोला गया था। उनके क्राइटेरिया क्या थे, कितने लोगों को लाइसेंस मिला, कितने लोगों ने लाइसेंस विड्रॉल किया, कितने बैंक वर्तमान में काम कर रहे हैं, अभी उनकी नेक्स्ट पॉलिसीज क्या है, शेड्यूल बैंक किस तरह काम करता है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, प्राइवेट बैंक कौन से हैं, इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक कौन से हैं, किस तरह वो मनी मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, इट्स ऑल अबाउट बैंकिंग। बेसिल सिस्टम क्या है, बेसिल जो नॉर्म्स हैं वो आने वाले वर्तमान में क्या चल रहे हैं, कैमल मॉडल क्या है, ये सब कुछ हम बैंकिंग पढ़ेंगे। तो ये जानते हैं दोनों के दोनों मॉनिटरी और बैंकिंग आपस में लिंक है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सारे आ गए, सेबी आ गया, एडा आ गया, आईआरडीआई आ गया, सेबी के अलावा एडा के अलावा आपके आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, आईसीआईसीआई है, आपके एनएचबी है, ये सारे के साथ जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे पीएसयूज के साथ वर्कआउट होता है, किस तरह वो सब कमाते हैं, ये सब कुछ सिस्टम हम यहां पढ़ेंगे, एलआईसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ये सब कुछ आपके काम का है। तो ये दोनों आपस में काफी हद तक लिंक्ड यूनिट है, लिंक्ड यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस में मैं बता दूं मुख्य रूप से आप क्या पढ़ने वाले, इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर आप पढ़ोगे एडीआर जीडीए कैसे, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट कैसे काम करता है, अगर इंडियन कंपनी है उसको अगर अपने आप को बाय डिफॉल्ट सिचुएट करना है, अपने आप को लिस्टेड करना है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, उसके लिए क्राइटेरिया क्या होंगे, किस तरह आप इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाते हो, डब्ल्यूएचओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो WTO क्या है, ठीक है, ट्रेड क्या है, स्ट्रिप क्या है, ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या है वर्तमान में, क्या मॉनेटरी का जो 1941 ब्रेटन वुड सिस्टम है कैसे मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी को मैनेज किया गया, इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल, हाउ टू मैनेज दी ना फॉरवर्ड रेट एंड दी बैकवर्ड रेट्स, कैसे आप कन्वर्ट करते हो करेंसीज को, ये सब कुछ यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस में आएगा, सब कुछ इंटरनेशनल फाइनेंस में आएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल या इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट भी इसको बोला जा सकता है। इसके बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी, एडीआर जीडीए कैसे काम करेगा, सब कुछ प्रॉपर नोट्स के साथ दिया जाएगा। फिर बात करेंगे एसएपीएम यानी सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कैसे आपका रिस्क एंड रिटर्न मॉडल काम करता है, क्या सीएपी मॉडल है, क्या एपीटी मॉडल है, एपीटी मॉडल के जनक कौन थे, सीएपीएम एपीटी से कैसे अलग है, इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कौन कौन से रूल्स हैं,
कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, कौन कौन से रिस्क एंड रिटर्न एवेन्यूज है, ये सब कुछ आता है SAPM यानी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहाँ पे कुछ भाग थ्योरेटिकल है, कुछ भाग प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल भाग के अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, थ्योरेटिकल भाग में हम बात करेंगे कि भैया इंडियन जो कैपिटल मार्केट है वो कैसा है। इंडियन कैपिटल मार्केट दो भाग है, कैसे, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है आपके सो कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कैसे काम करेगा, आईपीओ कैसे लॉन्च होता है, उसमें आसबा अकाउंट कैसे मैनेज होता है, ये सब कुछ यहाँ पे हम डील करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। अगर मैं इतनी कहानी गा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा हो कि हमको थोड़ा बहुत नहीं, काफी तक ठीक ठाक नॉलेज है, तभी मैं आपको ये सब कहानी गा रहा हूं। कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी मैं बताऊंगा, किस तरह क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, किस तरह ये चीजें मैनेज होंगी। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रसन्ना चंद्रा आप ले सकते हो, इसके लिए आप चाहते हो तो आप MR अग्रवाल की बुक है वो ले सकते हो, और जो मेरे नोट्स में आपको दूंगा वो भी गुड इनफ होंगे इस चीज को मैनेज करने के लिए, यानी SAPM यानी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको देखना होगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकंड ईयर और MA का, यहाँ पे वही कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, आपके रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, ये सारे के सारे टॉपिक जो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे जाएगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, किस पैसा कैसे रिटर्न होगा, इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिकल टेक्निक। देखो हमेशा क्या होता है, एक कॉमर्स स्टूडेंट हमेशा सोचता है दे ऑल आर बिलोंग्स टू द साइड ऑफ द कॉमर्स, जबकि मेरा मानना है बीइंग ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट ऑलवेज आई ऑलवेज थिंक कि जो फॉर्मूले जितनी भी चीज आप पढ़ते हो ये सब कुछ प्योर एंड प्योर मैथ्स है। डिविडेंड पॉलिसीज कैसी है, डिविडेंड पॉलिसी को मैनेज करने के जो फॉर्मूले बने हैं जो आप देखते हो वो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले है, चाहे गॉर्डन फॉर्मूला हो चाहे एक्सपोजर फॉर्मूला हो, दे ऑल आर डिराइव फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू निकालने कैलकुलेशन फॉर्मूले है, फ्यूचर वैल्यू फाइनिटी का फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हाउ एक जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसके बेसिस पे वो फॉर्मूले डिराइव हुए। ठीक है, अब चलिए खैर इस पर डीप में डिस्कशन करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक आपके लिए बहुत हो सकती है, जो फाइव लेटर बुक है RBD की, MR अग्रवाल ले सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल जाओ तो आप खान एंड जैन भी बुक ले सकते हो, पर ध्यान रखना बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल रूप से आप क्लियर होनी चाहिए तभी आप क्रैक कर पाओगे इजिली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अबाउट QT, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ माइंड, QT इज व्हाट द क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब वो क्वांटिटी टेक्निक में क्या है, यहाँ पे QT के अंदर स्टैट्स और QT का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जितनी में स्टैट्स की बातें हमने जो डिस्कस की है आप मेरे चैनल में देख सकते हो, वो सब कुछ सब तो है, प्लस क्वांटिटी टेक्निक भी है, डिसीजन मेकिंग, गेम थ्योरी, प्रोबेबिलिटी एंड पर्ट CPM, लीनियर प्रे प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब देखिए मैं आप सबको बता दूं कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इनके कुछ कुछ अंश आप इजीली मेरे चैनल पे दे सकते हो, कैसे, आप अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हो तो आप मेरा अपोके एकेडमिक्स पे जाएगा, वहां पे मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कुछ वीडियोस बना रखे हैं, रिस्क एंड रिटर्न की वीडियोस बना रखे हैं, और बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा कि कैसे रिस्क एंड रिटर्न काम करता है। इसके अलावा अगर आप QT की बात करते हो तो आप मेरे फिर से अपोके एकेडमिक्स चैनल पे जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा, वहां पर मैंने बहुत क्लैरिटी से बता रखा है कि कैसे आपके जो QT के टॉपिक्स है मैंने बहुत तरीके से क्लियर कर रखे हैं। लीनियर प्रे प्रोग्रामिंग क्या है, उसके फादर ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग कौन है, गेम थ्योरी क्या है, गेम थ्योरी के फादर कौन है, आपका जो सिमुलेशन है वो कैसे काम करता है, आपका पार्ट एंड CPM कैसे काम करता है, उसमें अगर क्रैशिंग होगी तो कैसे होगी, वो सब कुछ मैंने बहुत डीप में तरीके से MBA स्टूडेंट बनाया, आप भी उनको देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सिलेबस है वो EAFM का है, आई रिपीट, ये सारा का सिलेबस किसका है, EAFM का है, और आने वाले समय में इसका मैं बहुत 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 डीप डिस्कशन करने वाला हूं कि भैया क्या क्या और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या ध्यान रखना है, किन चीजों को पढ़ना है, कौन सी बुक्स को देखना है, कौन से नोट्स को देखना है, कौन से बार को पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पर ये वीडियो कैसा है लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे दो जो चैनल है, देखो ये सारी की सारी कहानी जो मैं मैनेज करूंगा, क्योंकि नेट एग्जाम कि दो टाइम आपको मिलेंगे, उसको मैं कोशिश करूंगा कि वो आप पास करें अगर आप नेट नहीं है तो, प्लस आप चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा मतलब 3 से 4 सब्जेक्ट कभी हम बात कर रहे हैं मैनेज करने की सोच रहे हैं वो सब कुछ करेंगे बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, बहुत ही नॉमिनल पे, ऐप पे काम चल रहा है, डिजिटल बोर्ड पे काम चल रहा है, होपफुली ये सब कुछ आपके लिए प्रॉपरली मैनेज होगा, तरीके से मैनेज होगा, मजा आपको आने वाला है। ध्यान रखना दोस्तों ये सब कुछ
बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे होगा, जो भी एक्सवाइजेड मार्केट के जो लोग चार्ज कर रहे हैं उससे बहुत नॉमिनल होगा और आपको अंतर दिखाई देगा। और इसके लिए आप डेमो वीडियो देख सकते हैं हमारे दोनों चैनलों पे। तो आपको दो चैनल सब्सक्राइब करने हैं, ये चैनल तो है हमारा अब मेन अपोके डिटेनर, पर इसके अलावा अपोके एकेडमिक्स और अपोके नेट एग्जाम क्रैकर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों चैनल के कॉम्बिनेशन पे पूरा पूरा सिलेबस आपको चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। नेट एग्जाम के पहले पेपर की सारी जानकारी, पूरे पेपर की जानकारी, अगर आप क्रैक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी दुखी मत होना। उसको कैसे क्रैक करना है, क्या बुक पढ़नी है, नोट्स जो है वो सब कुछ हमने बना लिए, सब कुछ हम देने के लिए रेडी है। बस एक बार आप आके जब जुड़ेंगे तो मजा आने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनको ये कोर्स लेना है बता दीजिएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, अभी इतना काफी, धन्यवाद।